ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आपका क्वेश्चन नंबर 7 डाउट में है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा काम हमें करना पड़ेगा, वो आपको मैं साफ साफ में करा रहा हूँ बेटा। आप यूज है ना, आप तो कर ही दीजिए, बहुत बेसिक वाला है, डोंट वरी, ताकि एक बार हाथ साफ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बेटा। हाँ, देख ले देख ले देख ले देख ले। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, आप 3 फॉर्मूले लिखेंगे, 1, 2 और 3। लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको याद है, आपको ये 3 फॉर्मूले पहले भी करे थे आपने, लेकिन ये 1 अपॉन में आते थे, इनका इंटीग्रेशन होता था। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो x/2 सेम चीज़ आ जाएगी ये, और क्या होगा, a²/2 log, और नीचे जो फॉर्मूला होता था वो सेम कॉपी हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है, x/2 या माइनस आता है, संस्कृति ये कॉपी कर लो पहले तो, ये ग्रुप कॉपी कर रहा है। ग्रुप ये फॉर्मूले कॉपी कर ले, वो बोला 7 तो 8 क्वेश्चन कराने के चक्कर में को 7.7 एक्सरसाइज करानी पड़ रही है पहले, बच्चों की इच्छा थी कि वो क्वेश्चन पहले किया जाए। कॉपी कर रहे हैं बेटा, हाँ, बाय पार्ट वाला, हाँ, लास्ट क्लास में आया नहीं था क्या, तू कहाँ चला गया यार, पेपर तो चलते रहेंगे यार, क्या है, पल्ले पड़ गया नहीं चीज। ये कॉपी कर ले बेटा, 7.7 के 3 फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, और उनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे आए हैं। हाँ नहीं, इसमें करेंगे मतलब एडवांस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट वही चलेगा। आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं इंटीग्रेशन हम लोग, दिमाग में सेट हो रहा है ना इंटीग्रेशन वैसे। एन ग्रॉस रोहन बाबू का भी पेपर है, आपको अच्छा लगा बेटे, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ ना, इसलिए इसलिए अच्छा लग रहा है आपको, जिस दिन स्पीड पकड़ ली ना आपका हो गया, अभी मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ ताकि आपके नजरों में इंटीग्रेशन बदनाम ना रहे। हाँ ध्रुव बाबू कॉपी कर रहे हो, ध्रुव जी वेरी गुड,
चले बेटा संस्कृति हो गया पापी। बेटे देखो ये तीन फॉर्मूले पहले भी किए थे लेकिन वन अपॉन में थे, अगर आपको याद हो तो। ये सर याद है आपको? ठीक है, अभी वन अपॉन में नहीं है हमारे पास। हाँ 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 अब मैंने लगाया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसमें माइनस आता है, वो चेक कर लेता हूँ केवल मैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले मैंने माइनस लगाया ना, देखिए जरा। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन देखिए जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर वन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर वन, ये एक्सरसाइज 1 to 9 करने हैं हमारे को। पहला क्वेश्चन देखिए, 4 - x² आ रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? ध्रुव बता जरा, 4 - x² में क्या फॉर्मूला लगेगा बताइए ध्रुव, क्या फॉर्मूला होता है 4 - x² के लिए बता जरा ध्रुव। ध्रुव आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसका क्या फॉर्मूला लगेगा? इसको मैं 2 का स्क्वायर - x² लिखूंगा मैं, क्या फॉर्मूला लगेगा बता जरा, उसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मैं 8वीं क्लास में क्यों आ गया? मैं अभी अभी तो करा हमने को इंटीग्रेशन क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अभी मैंने क्या लिखवाया बता, बोल जरा भाई। रुको ही नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी x/2 इंटू दिस प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, क्या अरे बेटा लिख दूंगा लिख दूंगा, अभी फॉर्मूला ने मेंशन किया है मैंने केवल अभी, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को तकलीफ ना हो। आपको तकलीफ होगी मुझे अच्छा लगेगा क्या बताओ? कितना आएगा ये x/2 कितना हो जाएगा? ये 4 - x² ही रहेगा, ये 4/2। ध्रुव याद आया नहीं आया? अब देखना देखना, ध्रुव मैंने सही लिखा है? ध्रुव सही लिखा है ना? मैंने कुछ गलती करी? अच्छा रुक जाते हैं, तो कुछ काउंट तो नहीं कर दिया मैंने क्या? किसकी जगह है? तो ये क्या होना चाहिए? x/2 होना चाहिए ध्रुव, हाँ ये भी तो यही कह रही है मैडम जी, ये x/2 आएगा। समझ में आ गया कैसे लगा है फॉर्मूला? ये कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कॉपी कर लिया बेटे, रब कर दो उसको, कोई जवाब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मैंने आपको बता रखा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ से 4 कॉमन निकालो, नहीं निकालना है तो भी ठीक है, नहीं निकालना मत निकालो, एक तरीका और भी हमारे पास, इसको 2x² होल स्क्वायर लिख दें, या a² - x² का फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा x/2, तो एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे 2x/2 कितना हो जाएगा प्लस a² / 2। टू एक्स बाय वन और होल के अपॉन में क्या आएगा फिर? 2 आएगा, कि इसके कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, मैं डिवाइड करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ। मैडम संस्कृति ठीक है? हाँ, या 4 बाहर ले लेते, 4 कॉमन निकाल लेता बाहर, 4 बाहर निकाल लेता, अंदर क्या बच जाता है मेरे पास? ये बच जाता है कितना, 1/4 - x², अब लगा दो। हाँ 2 बच जाएगा। हाँ बोलो 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 बोल। ये बेटे इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है ना, हमारा फॉर्मूला इसके लिए होता है ना, एक्स के लिए, यहाँ पे 2x है ना, तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। अगर ये डंटे में नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ आपको 4 कॉमन निकालना पड़ेगा, जो 2 बाहर निकलेगा,
अब फॉर्मूला लगाओगे आप, कौन सा अच्छा लग रहा है ध्रुव आपको बताइए। देखिए फॉर्म थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, लेकिन सॉल्व कर कर आगे वही आ जाएगा। इंटीग्रेशन में रास्ता आपका अलग अलग होगा, मंजिल भी अलग अलग होगी। हाँ नंबर दे देगा टीचर, इतना पागल भी नहीं है। जब टीचर बना है और TBSC एकदम टीचर बन जाता है तो उसको चेकिंग के लिए नहीं भेजती, कम से कम 5 साल उसने बिताए हैं तब भेजती है। तो 5 साल में इतना रिगड़ जाता है वो, 5 साल में तो 12th, तुम तो 1 साल में 12th पढ़ते हो, 5 साल में तो 12th पढ़ लेगा वो, क्यों समझ बाबू? 5 साल में तो हम जाते हैं, हमें तो 20-20 साल हो गए हैं, मैं तो मंडे से भी जा रहा हूँ। कंपार्टमेंट, हाँ, कॉपी करिए जरा। इजी है ना पेपर तो बेटा, थोड़ा पेपर पेपर ही होता है। कॉपी कर लिया, हिदायत दे तो मैं आगे चल पड़ूँ जरा। अब जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करूँ जरा। मैं आउट ऑफ स्टेट एंड विल ज्वाइन द फ्रॉम थर्सडे। ओके जी, बाहर ही रहता है। चलो आगे, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बनाना पड़ेगा बेटे? पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे s² + 4x + 6, याद है? ये देखिए तो ऐसे करते थे, पहले परफेक्ट स्क्वायर बना ले यहाँ बेटा। इसके ऑप्शन का आधा कितना हो गया? ठीक है बेटे मेरी बात यहां तक? हाँ जी, जरूर समझ में आई मेरी बात? कितना हो जाएगा ये? फॉर्मूला लग गया इसमें, कौन सा फॉर्मूला लग गया? क्या फॉर्मूला होता है इसका? x/2 मल्टीप्लाई में आ जाता है और प्लस, और पुराना वाला फॉर्मूला रिपीट हो जाता है अपॉन वाला। कितना हो जाएगा देखो जरा, ये और x² + j² का मतलब ये सब कुछ यही आ जाएगा। संस्कृति बात समझ पा रही है मेरी? अरे वन बच जाएगा, खत्म हो जाएगा, कॉपी कर लो।
कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी करो तो बता देना बेटा। एक सवाल करिए, करिए बेटा। अब यहाँ पता है माइनस कॉमन लेंगे, पहले एक बार छठा और सातवां कर दीजिए, इसमें अंदर अंदर माइनस कॉमन लेंगे, छठा और सातवां दो सवाल करिए जरा, और सॉल्यूशन भेजेंगे। कर लिया बेटा, बेटे हो गए। अरे को भेज तो दे, मैं चेक तो कर लूँ, ध्रुव भेजियो जरा।
ग्रुप भेज रहे हैं, ग्रुप की तो आवाज़ ही गायब हो जाती है भेजने के नाम पे। ग्रुप ग्रुप से बोल रहा हूँ मैं तो, भेज तो दे जाना, मैं चेक तो कर दूँ ना क्या किया है। इतना टाइम तो नहीं लगता इनको करने में। संस्कृति के भी नहीं है सोल्यूशन। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर नहीं कर रहे तो चलें टाइम कॉल करने में कोई। अच्छी बात है, चलिए भाई मैं आगे चल रहा हूँ, समझा के एक एक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो किसी में कोई इश्यू हो तो बताओ, कोई है तो अगली क्लास में ट्राई कर, पता नहीं पूरा इंटीग्रेशन निकल जाए। ड्राइवर आ गया, वो बस गया हुआ है, रोहन डॉक्टर के पास गया हुआ है, प्रॉब्लम होगी कोई। दूसरी जो है लड़की आती है उसकी बहन एडमिट है, वो भी गई हुई है, क्यों बाहर गया हुआ है मतलब, ही नहीं है यार। चलते हैं आगे, हो जाएगा बेटे सारे। संस्कृति देखिए आपका फेवरेट सवाल आ रहा है, अब संस्कृति सुन पा रहे हैं आप हमें, जिसका आपको इंतजार था। सात वार नवा दोनों में कराऊंगा, एक साइन इन वर्ड सेट। देखिए कैसे होगा, बाई पार्ट्स लगेगा बेटा, आप ध्यान देंगे ध्रुव, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो। ये सेवंथ क्वेश्चन है, आई लेट रूल होता है, आई लेट का मतलब उसको पहले मानते हैं जो पहले आता है। तो इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक कौन सा, ये सॉरी इनवर्स पहले आ गया, इसको पहला मानेंगे फंक्शन, उसको क्या मानेंगे हम लोग, सेकेंड मानेंगे। ठीक है संस्कृति, क्या हो जाएगा ये, क्या e की पावर x नहीं, e की पावर x अलग होता है, वो नहीं आता, वो फिर अदर फंक्शन, वो लास्ट में माना जाएगा फिर वो। संस्कृति याद आ गया फॉर्मूला, ये देखिए इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू,
अब एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कर लेंगे इसको हम लोग। यहाँ तक करो कॉपी। ठीक है जी, अब क्या करें देखो, इसको शॉर्टकट से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई टू आगे लिख दूं मैं, संस्कृति आगे लिख दूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगा के इसको ऐसे लिख दूं मैं, तो 1/2 बाहर निकाल दिया। माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, स्पेशल सवाल है, आता है तो ज़्यादातर बच्चों का गलत होता है। अभी देखिए मैडम, रुक जाइए। अब मैंने 1+ कर दिया बेटा यहाँ, और 1- कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, 1.05, सॉरी। नहीं वो नहीं है, 10:15 AM, लॉन्ग 1.5 सेंटीमीटर है। क्या है? इज 1.5 सेंटीमीटर। ये आ गए यहाँ, अलग अलग कर लूँ उसको मैं, कितना आ जाएगा? संस्कृति ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा बताइए। जो कुछ बल्ले पड़ रहा है, अब पुराना नहीं करेगा तो भैया कुछ समझ में नहीं आएगा बेटे, नहीं यहाँ आएगा नहीं कहीं और आएगा। ऐसा लिख सकता हूँ ध्रुव, ये वाली एक्सरसाइज करी नहीं करी पहले तूने? 11.7 है, 7 11.11 कहाँ आ गया बेटा, कहाँ है तू नशे में? अब 7.6 पे आ गया वापस बेटा मैं, वो ये सवाल कराने के लिए तो 7.7 करा, ये 7.6 है। आपने पढ़ी भी तो 7.6 की वीडियो देखी है, बेसिक क्वेश्चंस की? अब पूरी देखनी है। आईलेट लगा लेता है तू? आईलेट, आईलेट पता है क्या होता है? आईलेट कैसे आएगा समझ में? बता, अब बता समझ, मैं भी क्या करूँ बता, आई एम नॉट ए मैजिशियन भाई। ये समझ भी तो देख क्या है। चलो मैथ्स का वर्क तुम्हारा, भाई कुछ कुछ है। चलो चलो, अब ये इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, √1। अब यहाँ इसका फॉर्मूला तो मालूम है क्या होता है, इसका साइन इनवर्स एक्स होता है। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आज जो हमने सीखा है, हमने सीखा था ना आज ये, इसका 1 - x2 क्या फॉर्मूला लगेगा इसका? x/2, 1 - x2 माइनस 1/2। अब ये वो फॉर्मूला लगा नहीं लगा, तो इनको बाद में देना चाहिए था ना एक्सरसाइज, पहले वो एक्सरसाइज सिखानी चाहिए थी फिर ये देनी चाहिए थी ना, लेकिन बेवकूफ़ है, इतने साल हो गए मानते ही नहीं है। कितना आएगा ये? यही ट्रिक यही है, फिर तो डेरिव एक्स मान के करोगे। अरे CBSE में बहुत कमियां हैं सर, कहाँ कब तक बोले हैं यार। हाँ CBSE कौन सी वो है अपने आप को, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। अब कंपनी अकाउंट्स आता है, डेली लेबर का काम नहीं आता, कंपनी अकाउंट की बुक है, बिल्कुल बेकार है, होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा। कितना आएगा ये? लेकिन चलने तो क्या है, कर सकते हैं। ये आंसर आएगा इसका।
ठीक है, संस्कृत ही समझ में आया, इनको ऐड करना चाहे तो ऐड कर लेना, -3/2 हो जाएगा। उसके तो तुम चैंप हो, सब चैंप हो नहीं हो उसके। अच्छा चलें संस्कृति आगे। अच्छा समझ गए। ला 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 ला। हाँ जी बेटा, नहीं आएगा, 1.5 सेंटीमीटर है बेटा, इज 1.5 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, आपका जो आ रहा है आने तो हम देखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया, ये वाला, ये कह रही है ना आपने, आज आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा a² - x² का, तो मैं इसको लिख दूं 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, नहीं लिख सकता क्या संस्कृति? संस्कृति बता, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? वही तो लिखा है मैंने, बता कहाँ चैलेंज आ रहा है ये वाला, ये बेटा, यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन कराया ना मैंने बेटा, ये तो इसका इंटीग्रेशन ही तो किया है। a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब वो फॉर्मूला मैंने वहाँ लगाया था, यहाँ लिख दिया मैंने, सीधा भी लिख सकता था मैं। और ये इसका क्या होता है, sin·x होता है, sin·x का डिफरेंशिएशन क्या होता था याद कर, 1/6, 6 कहाँ आ गया, कहाँ से आया? फॉर्मूला नहीं होता बेटा a² - x² का, ये x/2 a² - x². अच्छा यहाँ एक तो फॉर्मूले में ना प्लस आता है, पहली बात तो प्लस लगा दो, यहाँ यहाँ भी प्लस लगेगा, प्लस लगेगा यहाँ पे, कितना a² / 2 नहीं होता था? संस्कृति अभी तो किया है, देखिए किया था नहीं किया था ये, अब वर्किंग है, सीधा भी लगा सकता मैं a² - x² का फॉर्मूला करके, नहीं क्या वर्किंग क्या है, मैं तो सीधा ही है। हाँ संस कृति मैम, कृति मैम समझ में आ गई, आ गई, कॉपी कर ले। कॉपी नहीं हुआ अभी तक, समझ तो भी बहुत धीरे धीरे लिखता है यार। हो गया बेटा संस्कृति कॉपी, हो गया, यह इशू है। अब ऐसे इसका जुड़वा भाई है कि कौन सा 9th, अब हो जाएगा 9th, या 9th करके देखो एक बार, 9th भी कहो तो कराऊं या तो मैं आगे बढ़ू, बोलो बताइए, बढ़ जाऊं? 10th हो गया था, 10th में करा देता हूँ, sin·x² है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। हाँ अब एक बच्चा बोला सर इसको ऐसे लिख लो, दो बार लिख लो sin·x·sin·x और बाई पार्ट लगा दो, दोनों या दोनों किसी को मान लो, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं, पता है इसको भी, पुरानी कहावत है। तो थोड़ा आसान करते हैं, लेट कर लेते हैं, sin·x को t मान लो, ऐसा है तो कितना हो जाएगा ये,
ये ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बताओ जरा, कौन बताएगा? कितना लिख दूंगा उसको मैं, ये तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, कौन बचा बताएगा यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है एक्स की? 90, 90 वैल्यू आ रही है, तो कितना हो जाएगा ये? पी बाहर आ गया यहाँ, साइन स्क्वायर टी का कितना हो गया? तो बाहर कॉस टी हो गया, अब इसे बाई पार्ट लगा लेते हैं, आसान हो गया नहीं हो गया? अभी पी कॉस टी में बाई पार्ट कैसे लगेगा जरूर समझने की कोशिश करो। एक रूल होता है आई लेट, क्या होता है एक रूल आई लेट क्या होता है? आई लेट में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? देखो आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक तो ये है, तो उसको सेकंड मानेंगे, और एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक माना जाता है टी, उसको फर्स्ट मानेंगे। तो उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है? पहले फंक्शन को रखेंगे, किसको रखेंगे हम लोग? पहले पी को रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे? फॉर्मूला है कॉस टी का, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर जो कट बिट किया आएगा उसका इधर वाले का फिर इंटीग्रेशन करेंगे। कॉस टी का कितना होता है? साइन टी। पी का 1 होता है, इसका कितना होता है? साइन टी। इसका फिर दोबारा करेंगे क्या आएगा? साइन टी आ गया, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्या होता है? माइनस कॉस टी। वो डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई, और ये कॉस टी हो जाएगा खत्म। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू कितनी है ऐसे बताओ? टी किसके बराबर था? साइन इनवर्स एक्स के बराबर था, तो कितना आ जाएगा? और साइन टी किसके बराबर? एक्स के बराबर है, एक्स आगे लगा दिया मैंने, प्लस कॉस टी। कॉस टी की वैल्यू देखो, हम ये भी लिख सकते थे कॉस, और टी की वैल्यू कितनी है, नहीं तो एक ऐसा काम भी कर सकते थे। देखो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इनवर्स वगैरह थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो कॉस टी किसके बराबर है? बराबर था कॉस टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा, नहीं होगा? कितना होगा कॉस टी? इसको मैं 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, टी की वैल्यू मैंने क्या पुट करी यहाँ पे? टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट करी मैंने, और साइन टी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, वो एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया आगे, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ लिखना चाहूँ, मतलब वहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ दो, तुम्हारी इच्छा है साहब, ये तो कॉपी कर लो। साइंस का डेटा क्या होता है? कॉस का डेटा नहीं होता? ये लिख दे बस, ठीक है? एक्चुअली कॉस टी था ना बेटे, कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं बेटे? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और साइन टी किसके बराबर था? एक्स के बराबर था मेरे पास, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं करनी, छोड़ा ना, यहीं ठीक है, बढ़िया, मस्त मस्त है यार, टेंशन ना ले। अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे चलो कॉपी कर लीजिए पहले।
रूट है ना, साइन बार एक्स का स्क्वायर था ना, साइन बार को टी माना मैंने, ओ जबरदस्ती में लगा दिया मैंने अंडर रूट ही है। वेरी गुड, नहीं था गलत कर रहा बेटा, समझ में आ गया क्या, क्या गलती करी है, कुछ गलती करी है, सबको सही है। ग्रुप सब कुछ सही है, सब नशे, क्या गलत है, ये मेरे माइनस सी को लड़ रहे हैं। हाँ ये देखो, ये साइन वर्स एक्स को टी माना था ना, तो टी स्क्वायर आएगा ना, अंडर रूट कहाँ से आ गया है यहाँ पे, किसी ने क्यों नहीं बताया मुझे, मैंने गलती से लगा दिया ये। चलो हो तो जाएगा ना भाई, समझो तो आ गया ना आपको, ये टी स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, संस्कृति कर लेगी बस, ठीक है फिर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13वें में कैसे करेंगे, 13वें में तो कुछ दो फंक्शन आ ही नहीं रहे। एक बच्चे से मैंने पूछा उसका आंसर बता, क्या बताया, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, उसने बताओ क्या बताया होगा, कैसे पता लगा, देखो बेटा कितनी इंटेलिजेंट है लड़की, तू भी यही सोच रही थी क्या, नहीं मैंने इसका डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहे, ये इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, मैं कर लूँगा है? नहीं पता तो 1/1+x² बोल दें। हाँ ये देखिए क्या करें, टेन इनवर्स एक्स, हाँ इसको जोड़ेंगे कैसे, वन है इसमें, इंटू वन मान लेंगे, और वन को एल्जेब्रिक फंक्शन मानते हैं, वन को क्या मानते हैं हम लोग, एल्जेब्रिक, क्योंकि एक्स की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। आई लेट लगाओ अब जरा, यहाँ इनवर्स भी नहीं है यहाँ पे, लॉग भी नहीं, एल्जेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। चलिए जी पहले को रख दो इंटीग्रेशन किसका, अरे यार हो क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, किसको फर्स्ट मानेंगे यहाँ, क्यों मानेंगे टेन इनवर्स एक्स को सेकंड, बेटा आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स को पहला नहीं मानेंगे, मैं यही तो चेक कर रहा हूँ आपका ध्यान है भी या नहीं, तेरी तो बात ही अलग है ध्रुव, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है भाई, ये 1 और ये 2 क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 1 का करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, और जो आएगा उसको फिर से इंडिकेशन कर देंगे, कितना होगा ये, अब वन का इंडिकेशन कितना होता है, एक्स इंटू में क्या आ गया, एक्स आ गया, अब क्या करें ऐसे कंडीशन में, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लेट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू कितना, 1+x² कितना हो जाएगा ये, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितना आ गया देखो ये, इसको मैंने एक्स को आगे लिख लिया, 1+x² को क्या माना है हम लोगों ने, टी एक्स ऐसे गया, तो डी एक्स के कितना आ गया, एक्स एक्स कट गया, टी की वैल्यू कितनी मानी थी हम लोगों ने, नहीं आया सच में, थोड़ा मुश्किल है हल्का सा,
में है क्या? क्या अगला सवाल कराऊं? लगाएंगे ऊपर एक्स भी तो है भाई। तो मैं डायरेक्ट जुगाड़ी पे डायरेक्ट जुगाड़ वाला करूं बता दूंगा मैं अभी। हाँ वो भी कर लेते हैं। रब्बा ठाकुर जी कॉपी कर लिया। अरे क्या सोचने लग रही है बेटा यशिता, करो बेटा। तूने तो पहाड़ जैसे क्वेश्चन कर लिए दे रखे हैं। आई है स्टार्टिंग से वही है क्या? बचपन से ही तो प्यार हो गया होगा स्कूल से, नहीं हुआ क्यों? मतलब मजा नहीं आता, मतलब 10th तक अच्छे थे, 11th से ट्यूनिंग नहीं करनी, मतलब सीनियर फैकल्टी अच्छी नहीं है तुम्हारे स्कूल की, तुम्हारे साइंस की अच्छी नहीं है, वक्त सबकी अच्छी नहीं है। ओ कॉमर्स की भाई, इकोनॉमिक्स भी है ना? अच्छा प्योर साइंस वाली हो गई, मतलब क्या बच्चे को ले देते हैं ना। आ गया सवाल और जादू करने के लिए। चलिए अभी ये करके दिखाओ मुझे, ये तो मैं कह रहा हूँ। ये वाला करना एग्जाम्पल नंबर 19 करना खुद, एग्जाम्पल 18 और 19। 18 में भी खाली लॉग एक्स है, लॉग एक्स कंटिन्यूएशन पता लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते होंगे? 1/x। पागल होते हैं आधे ज़्यादा तो। लॉग एक्स का क्या होगा? इंटू 1 करके बाई पार्ट लगाएंगे, करो